सत श्री अकाल, यू आर वॉचिंग लॉकडाउन एंटरटेनमेंट एंड स्वागत है आज की ब्रांड न्यू लिस्ट में, जिसमें है 28 जनवरी के एक दिन में ही रिलीज होने वाली बेस्ट 23 मूवीज एंड वेब सीरीज वाली लिस्ट का पार्ट 2, जिसमें बाकी रहती हुई 12 वेब सीरीज एंड मूवीज के बारे में बताने वाला हूं। और बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं हमारे पंजाबी मूवीज के फैंस के, तो उन्होंने फरमाइश थे ए वाली इन्फॉर्मेशन पंजाबी दे विच कि हले तक का कोई पंजाबी मूवी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है। हो सकता है अमेज़न या Z5 ते कोई ना कोई पंजाबी मूवी का सरप्राइज जरूर देखने मिल जाए, जो प्रिंस कमलजीत सिंह ते गिप्पी गरेवाल दी एक्शन थ्रिलर मूवी वार्निंग भी हो सकती है, या फिर अमरिंदर गिल या बाकी पाकिस्तानी कॉमेडियंस दी मूवी चल मेरा पुत 2 भी हो सकती है, जिसका ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म अमेज़न है, या फिर एक होर पंजाबी मूवी तीजा पंजाब भी हो सकती है, जिसकी हले उम्मीद तो नहीं बट कुछ भी हो सकता है। बस उम्मीद नहीं छोड़नी, क्योंकि उम्मीद ते ही तो दुनिया कायम है। तो नाउ बैक टू हिंदी, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट्स में अपनी फीडबैक भी जरूर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, वरना आपको मेरी वीडियो का पता नहीं चलेगा। और बाकी कोई भी सवाल हो या मूवी और सीरीज की डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं lockdown.entertainment33 पे, जो यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की ओर, जिसमें नंबर 12 पे है एक नई कोरियन हिंदी डब वेब सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड, जो अभी 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी डब में रिलीज की जाएगी, जो एक हॉरर एक्शन पोस्ट एपोकलिप्टो सीरीज होने वाली है, जिसमें एक स्कूल में जोम्बी ब्रेकआउट होता है, जहां पे उस स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स का एक ग्रुप अपने आप को स्कूल के ही एक एरिया में आइसोलेट कर लेते हैं, लेकिन उनकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं आता और ये जोम्बी अटैक पूरी सिटी और फिर देश में फैल जाता है। तो अब ये स्टूडेंट्स खुद के भरोसे ही हैं, अब ये कैसे बचते हैं या नहीं, वो इस सीरीज में एक्शन और थ्रिल के साथ दिखाया जाएगा। नंबर 11 पे है एप्पल टीवी की डार्क क्राइम कॉमेडी वेब सीरीज द आफ्टर पार्टी का सीजन 1, जिसमें टोटल 8 एपिसोड्स होने वाले हैं और कहानी एक पार्टी से शुरू होते हुए एक मर्डर तक पहुंच जाती है, और उसके बाद शुरू होनी है इस सीरीज की असली कहानी, जो उस मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के साथ आगे बढ़ेगी। काफ़ी सिंपल सी कहानी लग रही है, नहीं भाइयों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस सीरीज़ के 8 एपिसोड में उस एक रात की 8 अलग अलग कहानियां होने वाली हैं, मतलब 8 जानों से पूछताछ होगी और सबने अपनी अपनी कहानी सुनानी ही नहीं बल्कि दिखानी भी है हमें और उस लेडी ऑफिसर को, और हर एक कैरेक्टर हाई स्कूल का टीनेजर है तो सभी अतरंगे से होने वाले हैं और उनकी कहानियां उनसे भी ज़्यादा अतरंगी, क्योंकि गोरे लोग वहां की पुलिस से डरते नहीं हैं इंडियन पुलिस की तरह, जो मुँह खोलने से पहले ही प्रसाद हाथ में नहीं सीधा काल पे दे देते हैं। तो इसकी कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेकिन एप्पल टीवी की सीरीज़ है तो ओनली इंग्लिश में ही रिलीज होने वाली है। नंबर 10 पे है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एडवेंचर कॉमेडी एनिमेशन मूवी आइस एज एडवेंचर ऑफ बकवाइल्ड, जो 28 जनवरी को ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में ही, जिसमें हमारे दो प्यारे कैरेक्टर्स जिनकी दोस्ती की शुरुआत तो पंगों से ही हुई थी, लेकिन वो दोनों साथ में पिघलती हुई आइस से बचते हुए काफ़ी एडवेंचर्स को पार करते हुए अभी 2022 में एक नए जंगल की एडवेंचर भरी जर्नी पे ले जाने आ रहे हैं, जहां पे उनका सामना डायनासोर्स और बाकी क्यूट और ख़तरनाक जंगली जानवरों से होने वाला है। नंबर 9 पे है Z5 की रोमांटिक शो सीरीज पवित्र रिश्ता 2.0 का सीजन 2 इट्स नेवर टू लेट, जो 28 जनवरी को Z5 पे रिलीज होने वाली एक एटर्नल लव स्टोरी वाली सीरीज है, जो मेरे टाइप की तो बिल्कुल नहीं है, मतलब हम सबकी अपनी जिंदगी में ही लव लाइफ की वाट लगी रहती है, लड़की का कुछ भी कहने से रूठना और कुछ ना भी कहने से रूठना, मतलब प्यार में हम लड़के लोग एक ऐसी ऊंची और पतली पहाड़ी पे खड़े होते हैं कि एक कदम आगे बढ़ाओ तो भी मरना, एक कदम पीछे लो तो भी मरना, तो बचने का एक ही रास्ता होता है, सॉरी नाम की रस्सी पकड़ के लटकते रहो। हाँ, अगर आप अभी भी सिंगल हो तो अब क्या कहूँ, तुम सुनने थोड़ी ना वाले हो, बस ऐसी ही सीरीज देख देख कर तुम्हारे अंदर वाली ठरक भी तुम्हें प्यार के नाम पे चिल्ला चिल्ला के बोलती है, मैंने भी ये करना है, मुझे भी अपनी ठरक के नाम पे पवित्र रिश्ता बनाना है, अब आ रहा है देख लो और मिटा लो अपने प्यार की भूख। नंबर 8 पे है 2021 में रिलीज हुई हिंदी बॉलीवुड रोमांटिक एक्शन मसाला मूवी तड़प, जिसकी OTT रिलीज के लिए सभी तड़प रहे थे, लेकिन कुछ लोगों से इसकी तड़प सही नहीं गई तो उन्होंने ये हिंदी रिमेक मूवी का ओरिजिनल वर्जन, जो साउथ की मूवी RX100 है, और YouTube पे दिसंबर में ही मेरी तड़प नाम के साथ रिलीज कर दिया गया था। जो भी बोलो, ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होती है, और तो और इस हिंदी रीमेक मूवी की कहानी की तरह हीरो भी कॉपी वाला ही लग रहा है, जो सुनील शेट्टी का बेटा आहान शेट्टी है, जो देखने में RX100 के हीरो कार्तिकेय गोमाकोंडा का छोटा भाई लग रहा है। तो अभी जो इस तड़प की प्यास बुझाना चाहते हैं उनके लिए ये मूवी अभी 28 जनवरी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे आ रही है। नंबर 7 पे है नेटफ्लिक्स की कॉमेडी एनिमेशन मूवी एंग्री बर्ड्स समर मैडनेस, जो 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे हिंदी और इंग्लिश में एक साथ ही रिलीज होने वाली है,
जिसका एनिमेशन एंग्री बर्ड मूवी के पहले आए दो पार्ट के जैसा तो नहीं है, लेकिन कहानी और कॉमेडी वैसी ही होने वाली है, जो बच्चों और बड़ों दोनों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, जिसकी कॉमेडी एंड डायलॉग्स में ह्यूमर भी बढ़िया टाइप का होने वाला है, जो हम बड़ों को भी हंसाने में कामयाब रहेगी। नंबर 6 पे है शिमारू की हिंदी रोमांटिक एडवेंचर कॉमेडी मूवी क्यूट कमीना, जिसमें क्रिमिनल जस्टिस 2 वाली कृति कुल्हाड़ी और निशांत सिंह मेन रोल्स में हैं। और ये मूवी बहुत टाइम से बंद डिब्बे में पड़ी हुई थी, जिसे अभी शिमारू वालों ने निकाला है और 28 जनवरी को शिमारू मी की ऐप पे रिलीज करने जा रहे हैं, जिसमें एक अमीर लड़की और एक गांव के लड़के की प्यार की कहानी है, लेकिन ये प्यार इमोशनल करने वाला नहीं बल्कि हमें हंसाने वाला है, जिसकी कहानी तो खास नहीं लेकिन कॉमेडी ज़रूर खास होने वाली है। नंबर 5 पे है इंग्लिश एक्शन वॉर ड्रामा मूवी द लास्ट फुल मेजर, जो वैसे तो 2020 की मूवी है, जो उस टाइम ओनली थिएटर्स में ही रिलीज हुई थी, लेकिन अभी इंडिया में बुक माई शो पे ओनली इंग्लिश में रिलीज होने जा रही है, जिसकी कहानी आर्मी से रिलेटेड है और इसमें निक फ्यूरी मींस के सैमुअल जैक्सन मेन रोल में है, तो उसकी हर मूवी की तरह बढ़िया एक्शन और बढ़िया कहानी होनी तो लाजमी है। आप इस मूवी को देख सकते हो अगर इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल हो। नंबर 4 पे है 2021 की इंस्पिरेशनल ड्रामा मूवी बूगी, जो 28 जनवरी को बुक माई शो पे ही रिलीज होने वाली एक बढ़िया मूवी होने वाली है, और कहानी है एक यंग लड़के की, जिसकी ज़िंदगी पूरी तरह कन्फ्यूजन से भरी हुई है, जैसे इंडिया के हर लड़के की भी होती है हाई स्कूल पास करने के बाद, जिसके घर वाले उसे स्कूल में अच्छे नंबर लाने के लिए प्रेशर डालते हैं और उसका मन कहीं खेलने कूदने में लगा रहता है, लेकिन फिर उसकी एक गर्लफ्रेंड बन जाती है तो पूरा ध्यान उसी की तरफ चला जाता है। मतलब इंडिया में 80% लड़कों के जैसे इसके फ्यूचर की भी बैंड बजने वाली है, तो इस मूवी को देखो और सीखो कुछ कि क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि ये मूवी अभी ओनली इंग्लिश में ही रिलीज हो रही है। नंबर 3 पे है नेटफ्लिक्स की एक एक्शन थ्रिलर सुपर गर्ल मूवी इन फ्रॉम द कोल्ड, जिसका ट्रेलर देखते हुए मुझे कुछ टाइम पहले आई मूवी रेड स्पैरो या फिर 2014 में आई स्कारलेट जॉनसन की मूवी लूसी याद आ गई, जिसमें उसके पास कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद इतनी ताकत आ जाती है कि किसी को भी चुटकियों में ढेर कर दे। बस वैसी ही फीलिंग इस मूवी में भी होने वाली है, जिसकी मेन एक्ट्रेस पे एक रशियन एक्सपेरिमेंट किया जाता है और वो अकेली ही इसको झेल पाती है, जिसके बाद उसमें सुपर पावर्स आ जाती हैं, जिसको अभी देश की एक एजेंसी अपने लिए इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन ट्विस्ट एंड टर्न्स तो होने लाजमी है, तभी तो इसकी कहानी इंटरेस्टिंग बनेगी, जो 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे ओनली इंग्लिश में ही रिलीज हो रही है। नंबर 2 पे है नेटफ्लिक्स की एक कॉमेडी शो सीरीज गेटिंग क्यूरियस विद जोनाथन, जो 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश में, जिसमें हमें इस जोनाथन की जिंदगी की किताब के सारे पन्ने दिखाए जाएंगे, जिसकी जिंदगी की कहानी अपने आप में एक मूवी से कम नहीं है और उसकी पर्सनैलिटी इतनी फन से भरी हुई है कि उसका चेहरा देखने से ही एंटरटेनमेंट आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, ट्राई कर सकते हो। वैसे ज़्यादातर इंडियन ऑडियंस को ऐसी शो सीरीज पसंद नहीं आती, तो इसलिए बढ़ते हैं आगे इस लिस्ट की आखिरी सीरीज की ओर। नंबर 1 पे है जैपनीज साईफाई एनिमी सीरीज ऑर्बिटल चिल्ड्रन, जो 28 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे जैपनीज एंड इंग्लिश में रिलीज होने वाली है। मुझे तो ये एनिमी सीरीज ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी इंडियन ऑडियंस में अभी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये एनिमी सीरीज बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, तो लो देख लो भाई इसको भी, और क्या कह सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट, और जल्दी ही मिलता हूँ एक नई वीडियो और एक नई लिस्ट के साथ। तो आज की लिस्ट में इतना ही, बाकी अगर आपको ये लिस्ट पसंद आई तो थोड़ा सा टाइम निकाल के अपनी फेसबुक आईडी पे भी शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके दोस्त भी हमारे साथ लॉकडाउन एंटरटेनमेंट पे जुड़ सकें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लॉकडाउन एंटरटेनमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो सके घर में रहें, सेफ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें।